बींग ऐप से 3D एनिमेशन फोटो कैसे बनाए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर आपकी 3D फोटो प्लस यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ट्रेंड पे है। इवन अगर आप ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब किसी भी लेवल का लोगो बनाना चाहते हो, इवन अपनी फोटो इंक्लूड करके, तो ये 3D में कैसे जनरेट होता है काफ़ी ईजी है। बट इसको जो है काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि ये किस एप्लीकेशन के थ्रू एंड कैसे आपको काम करना होता है। तो ये बहुत ही कम समय में आपका हो जाएगा, जैसे कि एक या फिर 30 सेकंड के अंदर आपकी फोटो बन जाएगी बहुत ही आसानी से। बस इस वीडियो को एंड तक देखें। यहाँ पे हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे जो कि बींग एप्लीकेशन है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिलेगी। एंड इसका प्रोसेस क्या है, बस आईडी बनानी होती है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखना चालू करें। आपको क्या करना है, सबसे पहले देख सकते हैं यार वीडियो हेल्पफुल है, स्किप मत करना, स्किप करोगे समझ नहीं आएगा। आप फटाफट से प्ले स्टोर को ओपन करो और ओपन करने के बाद सर्च पर क्लिक करो, यहाँ पर लिखो बींग। तो यार जैसे आप सभी यहाँ पे ना बिंग लिखेंगे तो आपको ये वाली एप्लीकेशन मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट करके है जो यहाँ पे इनकी। और ये जो एप्लीकेशन इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे आएगा बिंग चैट विद AI एंड GPT-4। तो ये चीज़ जो है नई आई है, डेट्स यहाँ पे ये ट्रेंड पे है। तो जैसे आप सभी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से इसका इंटरफेस मिलेगा। अब ध्यान से आपको समझना है करना क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। तो वेलकम लिखा हुआ है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। तो जैसे यहाँ पे गेट स्टार्ट हो जाता है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बीच में आइकन आ जाता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप अलाउ कर दें। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप जाएंगे कीबोर्ड वगैरह देखने को मिल जाता है, तो फिलहाल इसको आप इस तरीके से बैक करें। यहाँ पे आपको सेंटर में जो बटन आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको सबसे पहले इनेबल करेंगे, यूज GPT-4 इसको आप इनेबल करें। इनेबल करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो है इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे आएगा आस्क मी एनीथिंग। तो यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट डालनी है, उसके बिहाफ पे जो है आपका यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। तो बट उससे पहले आपको अपनी आईडी बनानी होगी, होम पे क्लिक करो एंड क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा। और यहाँ से आप न्यूज़ वगैरह भी रीड कर सकते हो। ऐप्स पे जाओगे तो यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। ऐप्स पे क्लिक करोगे तो सभी एप्लीकेशन जो है AI से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। और फिलहाल जो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से बैक करते हैं। बैक करने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो वॉलपेपर्स, रिवॉर्ड्स एंड इस तरीके से रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलते हैं, तो वो अभी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम होम पे क्लिक करके अपना आईडी बना लेते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है और करने के बाद आपको आएगा टैप टू साइन इन, क्लिक करो एंड यहाँ पे आएगा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करो, या तो फिर आपको पहले यहाँ पे आएगा साइन इन, तो साइन इन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाना है माइक्रोसॉफ्ट पे, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आएगा साइन इन, तो ईमेल, फ़ोन नंबर और कुछ भी आप अपना यहाँ पे जो है क्रिएट वन, नो अकाउंट यहाँ पे आएगा क्रिएट वन, क्रिएट वन पे क्लिक करो। जब आप क्रिएट वन पे क्लिक कर दोगे, अब आप चाहें तो यहाँ पे जीमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर से एक जो है अपनी आईडी बनाएंगे। तो यहाँ पे अपनी जो है आईडी बना लेता हूँ इस तरीके से। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे ईमेल आईडी डालकर, तो दिखा रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी आपका अकाउंट है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कोई दूसरी यहाँ पे ईमेल आईडी बना देता हूँ सकते हो। तो यूज़ ए फ़ोन नंबर, ये देखो आ रहा है यूज़ ए फ़ोन नंबर, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आप फ़ोन नंबर डाल सकते हो। बट उससे पहले आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, तो चलो मैं फटाफट से अपना पासवर्ड क्रिएट कर ले, बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है वो आप यहाँ पे फटाफट से एंटर कर दें, ठीक है। डालने के बाद आप फिर से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे कंट्री देखने को मिलेगी, तो कंट्री सेलेक्ट कर दें। एंड उसके बाद दोस्तों अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है फटाफट से जस्ट रैंडमली भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं, बट आप अगर अपनी सही वाली भी करते हो तो भी चलेगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए अपनी डेट ऑफ एंटर कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये जो है मैं अपनी ऐसी डाल रहा हूँ। एंड उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आएगा आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करो। अब देखो ये जो कैप्चा आपको फिल करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो आ रहा है यूज़ द एरो टू रोटेट द ऑब्जेक्ट टू फेस द डायरेक्शन ऑफ द हैंड। तो यानी दोस्तों ये जो हैंड है ना, ये हाथ है, ये जिस डायरेक्शन में आपको बताएगा उस डायरेक्शन में आपको इसको लैपटॉप को मूव करना है, इस चीज़ को जो भी होगी ना उस तरीके से मोड़ना है। तो देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से, देखो ये जो हैंड जो है इस तरीके से है, तो यानी कि मुझे लैपटॉप का फेस जो उस साइड करना है। अब सबमिट करूंगा, ये देखो डन हो गया है। इस तरीके से आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होता है, बहुत ही ईजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। अब देखो यहाँ पे आपको OTP जाएगा, आप डाल दो यहाँ पे OTP, ठीक। तो फटाफट से आपको ना यहाँ पे मोबाइल नंबर पे जो OTP जाएगा ना, वो आप यहाँ से अब लिखकर उसको वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दो। देखते हैं यहाँ पे अकाउंट जो है इस तरीके से आ गया। अब दोबारा से आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। पहली बार हमने अपना नेम वेरीफाई किया था, अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, तो ये आप हाथ किस तरफ इशारा कर रहा है, इस साइड। तो आपको ये देखो एरो मिलता है, इस तरीके से लेके जाना है। तो आई थिंक इसको जो है इस साइड लेके जाना है। हाँ देखो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करो, सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आप सभी चेकआउट करेंगे, दोबारा से आ गया कि भाई अगर आपको जो है इस तरीके से रिस्टार्ट पे क्लिक कर दो, क्योंकि वो जो फेल हो गया था। तो अब आपको इस तरीके से इसका फेस लेके जाना है। तो ये जो है अब सही हो गया इसका फेस। अब यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डन हो जाएगा। तो एक दो अभी और करने पड़ेंगे आपको, कोई बात नहीं। इस तरीके से जो है इसका जिस डायरेक्शन में हाथ है उस डायरेक्शन में इसका फेस लेके जाना है, जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो वेरीफिकेशन कंप्लीट होगी आपके सामने। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा वेट करो। वेट करने के बाद दोस्तों आपसे भी चेकआउट करेंगे कि आपको जो यहाँ पे कैसे अपनी फोटो बनानी है 3D एनिमेशन में, उसका एक कोड होता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है।
तो अभी जो है थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, स्किप मत करना, एंड मैं भी स्किप नहीं करूँगा, अगर स्किप कर दूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा। और वैसे ईजी है, काफ़ी लोग जो इसका यूज़ कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है हमारा अकाउंट बन चुका है और यहाँ पे आ रहा है वी हैव अनकरेक्ट, जो भी है आपको इस तरीके से बैक कर दो। अब यहाँ पे आपको सेंटर पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों अब जाओ आपको यहाँ पे डिस्क्राइब क्या करना है, कैसी आपकी फोटो चाहिए, तो यहाँ पे आप बताएंगे आस्क मी एनीथिंग। तो अभी जो है यहाँ पे आपको मैंने जो है कोड दिया हुआ, कॉपी कर लो इसको, मैंने आपको जो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, दिया हुआ ये वाला, तो इसको आप कॉपी कर लेना। आप देखो यहाँ पे आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो है आपको कहाँ पे चेंजेस करने हैं। अगर आप जो है इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं ट्विटर वगैरह पे जो है, या फिर कह लें कि कोई और एप्लीकेशन का लोगो लेना चाहते हैं, तो आपको यूट्यूब की जगह जो है ये वाला, देखो यूट्यूब को कट करके आप यहाँ पे इंस्टाग्राम जो भी एप्लीकेशन पर जो है अपना लोगो बनाना चाहते हैं वो लिख दें। अब उसके बाद नेम, नेम यहाँ पे देखो नेम लिखा हुआ मेरा, तो यहाँ पे आप जो अपना यहाँ से हटाकर इसको जो अपना नेम डाल देना, ठीक है। तो ये दोस्तों ये चीज़ दो करनी है बस, आपका यहाँ पे सब कुछ डन हो जाएगा। पहला काम क्या करना है, जिस भी लोगो का आपको लोगो चाहिए, मतलब डिज़ाइन चाहिए, वो लिख देना, और नाम क्या आपका, ये कोमे से अंदर ही होना चाहिए, बाहर मत ले जाना, ठीक है। और इसको सारे मैं कॉपी करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और इसको जो आप कॉपी कर लेना, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे चला जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट पे, एंड यहाँ पे जो हम इसको पेस्ट कर देते हैं, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं, करो ये जो इस तरीके से आपको दिखाएगा डेटा, और जो हमने यहाँ पे, अगर आपको इंस्टाग्राम पे चाहिए तो वहाँ पे नेम बदल देना, यूट्यूब की जगह इंस्टाग्राम लिख देना, और जो भी आपका नेम है मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। बस दो चीज़ें बदलनी है, एक आपको एप्लीकेशन का नेम और एक अपना खुद का नेम, ठीक है, वहाँ पे मॉडिफाई कर देना। उसके बाद दोस्तों ये कोड आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके आप इसको कॉपी कर लेना। अब वेट करो, यूर इमेज इज जनरेटिंग, यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है, देखो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, अभी वेट कर लेते हैं और ये जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है वो पूरा ही बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही ईजिली इसको सेव कर पाएंगे गैलरी में, अगर आपकी जो गैलरी यानी कि मोबाइल फ़ोन में अगर ले जाना चाहते हैं HD में, ये देखो आपके सामने रेडी हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है, इस तरीके से इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे कितनी ही बिंदास तरीके से आपको जो है देखने को मिल जाएगी, और ये एक नहीं काफ़ी सारी बना के देता है, ये देखो जो भी आपको सही लग रही वो वाली आप जो है यहाँ से ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मुझे जो ये यूट्यूब वाली पसंद आ रही है, एंड इस तरीके से जो भी आपको सही लगे वो आप ले लो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से जो है एक जो है पिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपको बढ़िया लगे, काफ़ी सारी जो है देगा बना के आपको। तो जैसे कि मुझे जो है ना यहाँ पे एक जो है लेनी पड़ेगी, कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे ये वाली पसंद आ रही काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इसके ऊपर तीन डॉट्स के ऊपर क्लिक करूँगा, एंड यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूँगा। देखो डाउनलोड हो गई है, और बहुत ही मुफ्त में, कुछ भी आपको देना नहीं है। अब मैं लेके चलता हूँ यदि आपको इंस्टाग्राम के लिए करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से शायद बैक करता हूँ मैं, और इस तरीके से हमने किया था ना यहाँ पे, तो उसी को पेस्ट करके उसका नेम बदल देते हैं। अब मैं इंस्टाग्राम का कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने यूट्यूब का लिखा हुआ कर दिया था, नेम वही है मेरा, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कैसे, यानी कि आपकी इमेज जो है बनना चालू हो चुकी थी, तो ये देखो यहाँ पे बनके रेडी भी हो गई। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, किसी पे भी आप क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद देखो कितना ही बिंदास तरीके से दोस्तों आप सभी के यहाँ पे जो है मॉडिफाई होकर आ चुका है, क्वालिटी बिल्कुल ही बेस्ट है। एंड इस तरीके से आपको और भी काफ़ी सारी मिल जाएंगी जो भी आपको सही लगती है, देखो ये वाली सही लग रही तो ये वाली रख लो, देख सकते हैं यहाँ पे आप कितनी बेस्ट गाइस यहाँ पे जो इसकी एडिटिंग निकल के आती है। दोस्तों इस तरीके से आपको जो बनाना होता है, सेव कैसे करना होता है, यहाँ पे क्लिक करके डॉट्स के ऊपर एंड सेव कर लो, गैलरी में आ जाती है। मैं आपको गैलरी भी दिखा देता हूँ इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पे ये देखो, ठीक है। तो आपके सामने है भाई लोग इस तरीके से कितनी ही अच्छी क्वालिटी के अंदर जो है आती है, यहाँ पे आप सभी इसकी क्वालिटी देखो, बिल्कुल भी पिक्सल्स फटते नहीं हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस तरीके से दोस्तों बींग एप्लीकेशन के अंदर आप अकाउंट बनाएंगे, प्लस अपनी जो 3D फोटोज़ हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। होप से वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।